नमस्कार, मैं हूं अमृता और महाराष्ट्र टीवी 24 में आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि का पर्व चल रहा है और इस पर्व में हम बात करेंगे उन महिलाओं की जिनका नाम काफी प्रचलित है। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी महिला मौजूद है जिन्हें हम संचालिका के रूप में कई बार देख चुके हैं, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रोग्राम हो या फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है श्वेता शिलगांवकर मैम। वेलकम मैम, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा आपसे, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, महिलाओं पर आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या कहोगे उन महिलाओं को जो कठिनाइयों का सामना करती है लेकिन फिर भी खुलती नहीं है। क्योंकि अक्सर नवरात्रि के पर्व में अगर जो बातचीत चलती है तो प्रसिद्ध महिला है या फिर एक इंडिपेंडेंट वुमन है या फिर जो उनके बारे में बातचीत होती है, लेकिन आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो इंडिपेंडेंट तो है लेकिन फिर भी आज तकलीफों में ही है, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? उनके बारे में मुझे ये कहना है कि जब हम सोचते हैं ना, अगर हमें लगता है कि हम तकलीफ सहकर बहुत त्याग कर रहे हैं अपने परिवार के लिए और हम इससे परिवार को खुश रख पाएंगे, ये बात एक हद तक सही है। किस हद तक सही है? कि जब वो तकलीफ़ आपको कोई शारीरिक या मानसिक पीड़ा ना दे रही हो। कभी कभार की कोई बात, कोई मतभेद होना ये अलग है, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमेशा आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक व्यक्ति के तौर पे वो आपकी कठिनाइयाँ नहीं समझते, या वो आप फिज़िकल वॉयलेंस भी हम देखते हैं, और ऐसा नहीं कि वो लोअर क्लास तक है, वो अपर क्लास में भी है, तो फिर ऐसे में जब आप खुद सेफ नहीं हो तो फिर आप ना तो परिवार को खुशियाँ दे सकती हो और ना ही आप लॉन्ग टर्म में बच्चे जो होंगे आपके बच्चों को, आप एज अ ह्यूमन बीइंग आप उनको इमोशनली हेल्दी नहीं रख सकते अगर आप खुद वैसी चीज़ों को सहन कर रहे हो। तो इसलिए हम देखते हैं बहुत आजकल मीडिया में हमें कई बार पता चलता है कि कई लोग रिश्ते को बहुत सालों तक निभाने के बाद उसमें से अलग हो जाते हैं, कि वो कहते हैं कि अब इसके बाद हम नहीं सह सकते थे। तो इसलिए वो है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है, और ये सही है कि परिवार को बनाए रखना या रिश्तों को बनाए रखने के लिए त्याग करना पड़ता है, लेकिन वो त्याग अगर आत्मसम्मान का त्याग है तो वो ठीक नहीं होना चाहिए। हाँ, आप अपनी आदतें बदलते हैं, आप दूसरे घर में जाते हैं तो उनके हिसाब से अपने खान पान के तौर तरीके बदलते हैं, उसे हम एडजस्टमेंट कहते हैं, लेकिन एडजस्टमेंट कर लेना और बुली हो जाना उसमें फ़र्क होता है। वो महिलाओं को समझना चाहिए और आप अपनी सीमा रेखा तय करें और खुद ही आप प्यार से बोलें, झगड़ने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये चीज़ें नहीं सहन करूँगी। उसके बाद अगर लगता है कि सामने नहीं समझा जा रहा है तो फिर वहाँ से हट जाना बेहतर है। बहुत अच्छे से आपने इसको एक्सप्लेन किया है। दूसरा सवाल मैं आपसे जुड़ा हुआ पूछना चाहती हूँ, आप जो एक संचालिका के तौर पे आप उभरता तारा है हमारे शहर में, लेकिन कहीं ना कहीं ये फील्ड आपके लिए कितनी एक होता है ना कि हमें फेस करना है कुछ प्रॉब्लम्स को, तो ये कितनी मतलब मशक्कत भरी रही ये आपकी जो फील्ड आपने चुनी है? क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि पुरुषों का प्रोग्राम होता है, मोस्ट ऑफ ऑलमोस्ट पुरुष होते हैं, और उसमें एक महिला अगर संचालिका है तो वो काफ़ी गर्व की बात है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ छोटी मोटी दिक्कतें ज़रूर आपको होती होगी। सही बात। तो वो क्या होता है, दिक्कतें मतलब उसके कारण मेरे बारे में एक चीज़ मशहूर है, लोग कहते हैं कि ये काम से काम रखती है, उसके कारण कुछ लोग घमंडी भी समझते हैं मुझे, लेकिन वो मेरी आदत है कि प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद मैंने बातचीत की कि अब मेरे लिए कुछ और करने को बाकी नहीं है, मैं वहाँ से चल देती हूँ, उसके बाद की गपशप में या गॉसिप में मैं नहीं पढ़ती। तो उसके कारण बहुत लोग सोचते हैं कि शायद मैं घमंडी हूँ, यहाँ तक कि एक बार, पर जो लोग समझते हैं वो इस चीज़ को समझते हैं। तो एक बार एक हमारे यहाँ की बहुत अच्छी महिला है, बहुत प्रसिद्ध हैं वो, उन्होंने मंच पे बोला था ये कि श्वेता अगर चाहती तो वो रिश्ते बना सकती थी अपनी प्रतिभा के बल पे और उन रिश्तों के बल पे कहीं और जा सकती थी, पर वो ऐसा नहीं करती, वो काम से काम रखती है। तो वो मेरी आदत है। अब उस आदत के कारण अगर कुछ लोगों को लगता है कि मुझे नुकसान हो रहा होगा तो शायद हो रहा होगा, कोई बात नहीं, मैं जहाँ पे हूँ मैं उससे खुश हूँ।
लेकिन परेशानियों की बात यह है कि हाँ, कई बार लोग समझ नहीं पाते हैं कि एक तो वो अपनी डिमांड तो बताते हैं कि हमें इस तरह से कार्यक्रम चाहिए, लेकिन वो आपके अनुभव पे कई बार विश्वास नहीं करते कि देखिए आप जैसा चाह रहे हैं वैसा नहीं होता और ये तरीका होता है कार्यक्रम का, आपको ऐसे करना चाहिए। तो मैं पहले समझाने की कोशिश करती हूँ, फिर नहीं अगर वो मानते तो मैं कहती हूँ ठीक है आपके हिसाब से चलते हैं, और बाद में जब उनको समझ आता है कार्यक्रम के बीच में कि मैंने सही कहा था, फिर वो बोलते हैं कि आपने सही कहा था। फिर कई बार ये होता है कि अगर हम बाहर जा रहे हैं तो फिर वो एक थोड़ी कंसर्न होती है, घर में भी, घर के लोगों को भी लगता है भाई कि टाइमली आ जाएं, कन्वेयंस की सुविधा अच्छे से हो, तो वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस हमको भी रहना होता है, और घर वाले भी कई बार थोड़ी चिंता में होते हैं कि अगर बाहर है कभी फ़ोन नहीं लगे ये, तो हमेशा अप्रोचेबल होने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ है। अपने प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम संचालित किया था, और काफी गर्व की बात होती है क्योंकि प्रधानमंत्री के आसपास भी हम मंत्री जी का, मतलब सबसे पहले जब वो नागपुर आए थे 2014 में मेट्रो का भूमि पूजन, उसके बाद वो फिर से आए थे 2019 में तो पावर प्लांट का इनॉग्रेशन, फिर मेट्रो के फेज वन का, और उसके बाद रोजगार मेला के 2-3 भाग, ये सब ऑनलाइन हुए। ये इतने अभी तक मैंने किए हैं, और अपने कई पूर्व राष्ट्रपतियों के किए हैं। वर्तमान राष्ट्रपति जब अपने मेडिकल का जो समारोह हुआ था उसमें आई थी, प्लैटिनम जुबली में, उसका भी किया था। तो वो वाले जो कार्यक्रम होते हैं ना, वहाँ बहुत प्रोटोकॉल का ध्यान रखना पड़ता है। मेरा वही सवाल था कि आपका, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक महसूस हुआ होगा, डगमगा गए होंगे आपको, क्योंकि एक प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात हो जाती है, उनका कार्यक्रम संचालन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका, वो जरूर जानना चाहूँगी। मैं, भगवान की कृपा से मुझे आत्मविश्वास रहता है, तो मैं तो नहीं थी नर्वस, लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था वो ज़रूर नर्वस थे। उन्हें बस ये लग रहा था कि कई बार संचालक क्या करते, जोश में आके कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो इस तरह के कार्यक्रमों में, औपचारिक कार्यक्रमों में ठीक नहीं लगती। जैसे मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, हम कुछ जोक सुना दें, इनफॉर्मल बात अलग है, पर वहाँ आपको पूरी तरह फॉर्मल रहना है, तो वो थोड़े नर्वस थे कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए। पर मैंने अपनी ओर से उन्हें आश्वस्त किया था कि मैं जानती हूँ कि इस कार्यक्रम में मैं नागपुर की प्रतिनिधि हूँ, और प्रधानमंत्री जी के सामने नागपुर की प्रतिमा उच्च रखनी है, इसलिए आप चिंता ना करें। तो बिल्कुल जिस तरह से तय हुआ था, जितने मिनट जितने सेकंड बोलना है उसी हिसाब से बोला। पर हाँ, वहाँ पे ना उनकी सुरक्षा के प्रोटोकॉल के कारण ज़रूर रहता है कि आप इतनी देर पहले स्टेज छोड़ दो, फिर आप जस्ट प्रोग्राम शुरू होने के 10-5 मिनट पहले ही स्टेज पे आओ, और वो सब चीज़ें वो ध्यान में रखते हैं। उनके साथ जो प्रोटोकॉल ऑफिसर्स होते हैं वो चाहते हैं हम ड्राई रन करें, तो उन प्रोग्राम्स में फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है, क्रिएटिव लिबर्टी कम होती है, और वहाँ आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार ड्रेस कोड भी बताए गए हैं कि आपका ऐसा ही ड्रेस कोड होना चाहिए, स्पेसिफिकली कलर। एक बार तो मैं आयोजक का नाम नहीं बताऊँगी, मगर क्योंकि ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का है, तो हम यानी आपको साड़ी भी कौन सी पहननी हम ही दे रहे हैं। अच्छा। उन्होंने दी थी कि आप यही पहनेंगे। अच्छा। ऐसा भी हुआ था। काफ़ी ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतने बड़े प्रधानमंत्री जी के सामने संचालिका के तौर पर आके बात करना या संचालन करना, ये कोई छोटी बात नहीं है, काफ़ी गर्व की भी बात है। तो मैंने ऐसे सुना कि उर्दू, इंग्लिश, हिंदी में आप काफ़ी माहिर हैं, तो कुछ इस जर्नी के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगा कि उर्दू में भी मतलब करना चाहिए। वो क्या है, हिंदी तो मेरी मातृभाषा है, जबलपुर की हूँ, पढ़ाई हिंदी माध्यम से हुई तो हिंदी अच्छे से आती थी। फिर मेरे डैडी कविताएं करते थे और शायरों में उनका उठना बैठना था, तो इसलिए कविता और शायरी में शुरू से दिलचस्पी थी, तो उर्दू समझती तो थी मैं, पर यहाँ आकर मुझे लिखना सीखने का मौका भी मिल गया, तो मैंने सीख ली। और मैं अपने डैडी को, स्वर्गीय पिताजी को इसका क्रेडिट दूंगी, वो उन्होंने मुझे कुछ 2-3 बातें कही थी। मैं बचपन से मंच पे हूँ, मैं बोलती थी एज अ पब्लिक स्पीकर, तो वो कहते थे कि आप
जिस भी आपकी मातृभाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप कोई नेशनल या इंटरनेशनल लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपको उसका लहजा सही रख के बोलना चाहिए, आपके उसमें प्रांतीय झलक ना हो उच्चारण में, तो इसका ध्यान रखो। तो हिंदी मीडियम के उससे क्या होता, आप इंग्लिश में काम करो, उन्होंने प्रोत्साहित किया तो फिर मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई थी और कॉलेज में मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कर ली तो फिर इंग्लिश में भी फ्लुएंसी आ गई। और क्योंकि आई एम मैरिड टू अ महाराष्ट्रियन तो यहाँ आकर मैंने मराठी भी सीखी, क्योंकि मराठी बहुत समृद्ध भाषा है और जब आप उसे सीखेंगे तब आप उसके साहित्य से परिचित हो सकते हैं। तो मैंने सीखी, मैंने कोशिश की थी बांग्ला सीखने की पर उसकी एक परीक्षा ही पास कर पाई। उसके आगे हाँ, जिस भाषा को बोलने वाले लोग आसपास हों उसको आपके लिए आगे चलाते जाना ईजी होता है, तो वो कर लिया मैंने। तो कह सकते हैं कि इसका आप इसका श्रेय मेरे पिताजी को दे सकते हैं और घर के वातावरण को दे सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्वेता शिलगांवकर जी की तरह इनकी बेटी भी अभी काफ़ी नाम रोशन करने वाली है शहर का, महाराष्ट्र का, क्योंकि कुछ दिनों में ही हम उन्हें एक दंगल नामक नेशनल चैनल पे आराधना सीरियल में देखने वाले हैं। जी हाँ, वो लीड एक्टर का काम बतौर वो करने वाले हैं और काफ़ी गौरवान्वित ये बात होगी नागपुर के लिए कि एक लड़की इतना लंबा सफ़र तय करके इस मुकाम पर पहुंची है, काफ़ी प्राउड करने वाली बात है मैम। और एक सवाल ये ऐसा भी होता है क्योंकि लड़कियों के लिए आजकल की पीढ़ी हम देखते हैं काफ़ी सेंसिटिव है, तो और मुंबई जैसे शहर में एक लड़की का स्ट्रगल, क्योंकि ऐसी काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी लड़के भी हैं जो स्ट्रगल करते हैं और ये लाइन कहीं ना कहीं मिडिल क्लास फैमिली को ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है या फिर गलत है, हर किसी का नजरिया जो है वो गलत होता है। तो जब गौरी मैम का पहली बार आपको पता चला तो आपका क्या रिएक्शन था उस वक्त? क्या हुआ कि गौरी को ना इस चीज़ के का शौक काफ़ी दिनों से था, यानी वो लॉकडाउन के समय उसने अपने टाइम का उपयोग ऐसे किया कि जो कुछ एक्टर्स के यूट्यूब चैनल हैं कुछ लोग गाइड करते हैं आप इसमें कैसे आओ, उसने वो देखे, ऑनलाइन ऑडिशंस भेजे, कुछ जगह वो सिलेक्ट हुई और जब लोकेशन नागपुर बताया तो उन्होंने कहा कि कोविड टाइम में तो हम नहीं ऐसा कर सकते, सिर्फ मुंबई के लोगों को ले सकते हैं। फिर 12वीं के बाद वो सिलेक्ट हो गया कॉलेज में मुंबई के लिए, उसका लॉ के लिए सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ गई तो उसको मौका मिल गया कि वो लोकेशन मुंबई में ही ट्राई कर सके। तो जब उसने ये जो प्रोडक्शन है रविराज प्रोडक्शन, ये एक बहुत प्रसिद्ध डायरेक्टर है रविराज जी, जो करीब 32 सफल शोज डायरेक्ट कर चुके हैं और उन्होंने अपना प्रोडक्शन शुरू किया है, तो उन्होंने इसके ऑडिशन में इसको सिलेक्ट कर लिया और फिर उसे मिलने के लिए बुलाया कि आप आइए। तो जब ये स्टूडियो में गई, मतलब उनके ऑफिस में गई मिलने, तो बोले आप बहुत छोटी हैं, हम आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं। फिर मैं उसके साथ गई तो वो बोले कि असल में कई बार बच्चे शौक शौक में आ जाते हैं, बाद में पेरेंट्स मना करते हैं, तो हमारे यहाँ पूरा पारिवारिक माहौल है, मैंने इतना काम किया है, आप देखिए आपको कुछ मेरे बारे में गलत सुनने नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, आप उसके साथ आएँ, साथ रहें, जो भी हमें कोई वो नहीं है। तो फिर हमने बातचीत की और शुरू में जब उसका लुक टेस्ट या किसी भी चीज़ के लिए वो स्टूडियो गई तो उसके साथ में मैं गई, फिर देखा पूरा पारिवारिक माहौल है, मतलब वहाँ हेयर ड्रेसर, मेकअप पर्सन से लेकर स्पॉट दादा, सब लोग बहुत केयरिंग है उसके लिए कि छोटी बच्ची है। और उसके साथ सुधा चंद्रन जी हैं। अच्छा, तो सुधा चंद्रन जी ने बोला कि बेटा ये बहुत सेफ फील्ड है और कितनी सेफ तुम रहोगी ये तुम पे डिपेंड करता है, तो तुम अपनी लिमिट सेट रखो, कोई चिंता की बात नहीं, हम लोग सब हैं। तो फिर हम लोग आश्वस्त हो गए कि मैक्सिमम टाइम तो हम उसके साथ रहेंगे, लेकिन 100% नहीं भी रह सकते, पर वो और एक अच्छी शुरुआत आपने ऐसे कर दी। तो उन्होंने ये बोला कि आप शुरू में अपनी जो इमेज बना लोगे कि ये आपके लिमिट्स हैं, उसके बाद फिर कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। तो फिर हमें लगा कि हाँ ठीक है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए, उसको अपने सपने को पूरा करने का मौका मिला है, लीड रोल मिला है। बिल्कुल, शुरुआत लीड रोल से वो कर रही है और सुधा चंद्रन, करणवीर शर्मा और बरखा बिष्ट जैसे जो प्रसिद्ध एक्टर्स हैं उनके साथ कर रही है। तो फिर हमने यही कहा कि हम जितना हो सकता है सपोर्ट देंगे, इसलिए मैक्सिमम उसके साथ रहने की या तो उसके पापा या मैं, हम लोग कोशिश भी करते हैं और यही है कि वो सबका आशीर्वाद उसको मिले और वो मेहनत तो करती है, बहुत मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल, पूरे नागपुर घर का आशीर्वाद है गौरी शिलगांवकर के सर पर। और आपने एक बात कही कि लिमिट्स,
होनी चाहिए। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम महिलाओं को ही सही करें या सही दर्शाएं, कहीं ना कहीं महिलाओं की भी एक लिमिट होनी चाहिए। हर फील्ड में हो या घर में हो, हर चीज में मर्यादा एक होती है जो महिला के लिए खासकर बनाई गई है और जो महिला के लिए अच्छी बात है। लेकिन अभी आए दिन जो महिलाओं को लेकर दुष्कर्म की घटनाएं सामने आ रही है, क्या लगता है इस पर? क्योंकि देश में बदलाव आएगा नहीं आएगा इन कानूनों को लेकर, ये तो मैं भी नहीं बता सकती, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक बार हाथ में भी कानून लिया जाए ताकि ऐसे जो दरिंदे हैं वो आसपास घर में भी आज बेटियां सेफ नहीं है। तो इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है मैम? ये जो मुद्दा है ना, ये बहुत ज़्यादा गंभीर, बहुत चिंतनीय है और इस पे एक्शन भी एक लेवल पे लेके नहीं चलेगा। बिल्कुल, कानून कठोर बना दिया पर उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कठोर हो। फिर घर का जो वातावरण है, भाई जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था ना कि हम अपनी बेटियों से तो पूछते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थी, पर अगर हम बेटों से भी पूछने लग जाएं तो जब अगर हर घर अपने बच्चों को इस तरह से रेज करेगा कि बेटे और बेटी का एक व्यक्ति के तौर पे वो सम्मान करें, तो सामाजिक तौर पे फिर हम इसमें एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि ये समस्या केवल कानूनी नहीं है। फिर जितना ज़्यादा हम आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ हर जगह CCTV हो और बच्चों के भी मोबाइल में आजकल अलग अलग ऐप आ गए, वो सब हों, उससे वो अवेयर हों, सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी सीखें, हर लेवल पे काम करने की ज़रूरत है, कानूनी, उसका इम्प्लीमेंटेशन और उसके अलावा सामाजिक, तभी हम इस चीज़ को एड्रेस कर सकेंगे। और दूसरा कि एजुकेशन लेवल पे, क्योंकि जब कम उम्र के बच्चे इस अपराध में शामिल हैं, मतलब वो कहीं ठीक तरह से एजुकेटेड नहीं है, तो उनको एजुकेट भी इस बारे में करने की ज़रूरत है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन नहीं है और जिसमें लॉन्ग टर्म हमें एज अ सोसाइटी, एज अ सिटीज़न काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आए दिन ये जो घटनाएं हो रही है, जैसे बदलापुर हो गया, बदलापुर का तो काफी अच्छा हमने देखा कि एनकाउंटर में वो आरोपी मारा गया और ये काफी अच्छा फैसला रहा महाराष्ट्र पुलिस का, सबने उसके लिए अभिनंदन भी किया है और करना चाहिए। ये मुद्दा जो है ये काफी गंभीर है, लेकिन हम देखते हैं कि जब ये घटनाएं सामने आती है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, कुछ दिन ये चलता है, उसके बाद ये मामला फिर कहीं ना कहीं शांत हो जाता है और ऐसी कई बेटियां जो है उनकी फाइलें आज भी दबी हुई है। तो यही है कि अब जल्द से जल्द कानून बदले और ऐसा कानून आए कि ऐसे दरिंदों को ये जो सोच है उनकी, वो सोचते वक्त भी वो घबरा जाए। एक और ऐसा मेरा आखिरी सवाल ये है मैम कि जो महिलाएं जिनको आगे तो बढ़ना है लेकिन कहीं ना कहीं वो बंदिशों में फंसी है, वो उनको एक डर होता है, तो ऐसी महिलाओं को आगे आने के लिए आप क्या मैसेज हमारे द्वारा देना चाहोगे? आपने अभी पिछले दिनों पढ़ा होगा कि एक महिला जिस बैंक में स्वीपर का काम करती थी उसी बैंक से वो AGM होकर रिटायर हुई। तो बंदिशें हमारे दिमाग में होती हैं, हम उनको अपने दिमाग से निकाल दें तो कोई हमें रोक नहीं सकता। आप देखिए, यहाँ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है कि बहादुरी और अति आत्मविश्वास, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है जी। तो जहाँ काम करने के लिए बाहर निकलना बहादुरी है, वहाँ अपनी सुरक्षा का ध्यान ना रखना अति आत्मविश्वास है जी। तो महिलाओं को बहादुरी दिखाना है मगर अति आत्मविश्वास से बचना है और कोशिश करना है कि हमारा वर्क प्लेस सेफ रहे, इसके लिए हम भी ध्यान रखें। बाकी सपने देखने का अधिकार एक व्यक्ति के तौर पर सबको है, फिर वो महिला हो या पुरुष हो, और हमें एक दूसरे के सपने पूरे करने में मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, जितनी सादगी आपकी सुंदरता में है उतनी ही सादगी आपके भाषा में भी हमने देखी। काफ़ी सुंदर तरीके से, सरल तरीके से आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने, दर्शकों के सामने रखे हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलकर, और जबकि हम सब जानते हैं कि उर्दू में मैम माहिर है, तो चार लफ्ज़ आपके हो जाए ज़रूर। देखिए, महिलाओं के बारे में क्योंकि आपने बात की, तो महिलाओं के बारे में जैसे मजाज ने जो लिखा था कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन क्या बात, तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। या फिर जैसे कि कैफी आजमी कहते हैं कि उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे, क्या बात। तो उस बात का ख्याल हमें रखना चाहिए
कि समाज में हम एक व्यक्ति के तौर पर सभी लोग अपना योगदान दें। और वहाँ पे एक चीज़ और मुझे कहना है कि हम उस तरह के फेमिनिज्म को नहीं सपोर्ट करते कि महिला विरुद्ध पुरुष, ये लड़ाई की बात नहीं है। हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो एक दूसरे का साथ हमें देना है, और जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। कि ये धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। वैसे तो एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, दोनों पाँव अगर साथ दें तो और बात है। क्या बात है, क्या बात है। पर्व में, नवरात्रि के पर्व में इतनी अच्छी पंक्तियाँ जो हमने सुनी है, उम्मीद करते हैं कि इस शो को देखकर महिला जो है वो अपनी सोच बदले, हिम्मत लाए और अपनी मर्यादा में रहकर जो है वो हिम्मत से आगे बढ़े, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और बहुत अच्छा लगा मैम आपका, आपको आपसे मिलके, और आपने जो वक्त हमारे लिए निकाला काफ़ी अच्छा लगा। और आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि के पर्व में ही नहीं, नवरात्रि के बाद भी महिलाओं का आदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि महिलाओं का सिर्फ नवरात्रि में आदर हो और उसके बाद अनादर हो। हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कुछ भी हो, क्योंकि महिला अपने भी, आपके भी घर में है, सबके घर में है, तो महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराए। और ऐसे शोज के लिए बने रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ, यानी कि अमृता के साथ। नमस्कार। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार। नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।